यही वो वीडियो है जिससे हत्याकांड का आरोपी पिस्तौल पांडे पुलिस के हत्थे चढ़ा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पूर्व बीएसपी सांसद का बेटा आशीष पांडे पिस्तौल लहराते हुए पूर्व कांग्रेस विधायक के बेटे गौरव कंवर को धमकाता दिख रहा है। दिल्ली के फाइव स्टार होटल में बाथरूम से शुरू हुए विवाद के बाद आशीष ने अपनी इसी बीएमडब्ल्यू कार से इजराइल का बना पिस्तौल निकाला था। उस वक्त कार में उसकी महिला दोस्त बैठी थी। पिस्टल लेकर के गौरव के पास पहुंचा आशीष पांडे, तो उस दौरान जो इस सीट पे जो महिला मित्र बैठी हुई थी आशीष पांडे के, उसी ने अपने मोबाइल से इस पूरे वीडियो को शूट कर लिया और उसके बाद वो वीडियो वायरल हो गया। और जब एक बार वीडियो वायरल हुआ और मीडिया में ये खबर दिखाई गई, उसके बाद फिर पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और पुलिस की टीम गिरफ्तार करने पहुंची लखनऊ आशीष पांडे को। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद आशीष पांडे दिल्ली पहुंचा और पटियाला हाउस कोर्ट में उसने सरेंडर कर दिया। अब पुलिस ने आशीष पांडे की इस कार को जब्त कर लिया है। BMW कार इस वक्त दिल्ली के RK पुरम थाने में रखी गई है। इस वक्त हम आर के पुरम थाने में मौजूद हैं। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल यही वो BMW कार है जो आशीष की कार थी, जिसमें से इजरायली पिस्टल मिली थी। और फिलहाल आप देखिए पुलिस की कस्टडी में कार है और कार को जब्त कर लिया गया है। शनिवार को पिस्तौल लहराने के बाद आशीष इसी कार से उड़नछू हो गया था और दिल्ली से UP तक छिपता रहा। कल वारदात के 130 घंटे बाद उसने पहले वीडियो जारी कर सफाई दी और फिर कोर्ट में सरेंडर किया, जहां से उसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया।